कामनाएं, प्रार्थनाएं और आकांक्षाएं कई बार निज हितों के साथ जुड़ी होती है, तो उसके उलट कुछ त्यौहार ऐसे भी आते हैं, कुछ तिथियां ऐसे भी आती है और कुछ समय विशेष ऐसे भी होते हैं जब व्यक्ति निज हितों को, स्वार्थों को एक तरफ रख के परमार्थ की ओर भी जाना शुरू करता है। हरियाली अमावस्या ऐसे त्यौहारों में से ही एक त्यौहार है जब व्यक्ति प्रकृति के साथ में खुद के जुड़ाव को महसूस करता है, प्रकृति की पूजा करता है, उपासना करता है और सर्वहिताय की स्थितियों के साथ में और इन प्रार्थनाओं के साथ में जीवन को आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाता चला जाता है। हालांकि इसमें भी स्वार्थ कहीं ना कहीं निहित रहता है कि अगर ये प्रकृति संरक्षित है, ये प्रकृति पूर्ण रूप से अक्षुण है, तो मानवीय जीवन का आधार और अस्तित्व भी वैसे ही चलता चला जाएगा। तो हम भी इस दिन एक नई शुरुआत करें, एक वृक्ष लगाएं और साथ ही प्राण वायु के संचरण के भीतर और हरियाली को चारों तरफ बढ़ाने के लिए जो एक छोटा सा आहूत हमारी तरफ से हो सकता है, योगदान किंचित मात्र जो हो सकता है, उसकी शुरुआत जरूर करनी चाहिए। महीने का शुरुआती दिन 1 अगस्त और साथ में ही नवीन महीने की शुरुआत में ही हरियाली अमावस्या का त्यौहार और उसके साथ पुष्य नक्षत्र की स्थितियां, गुरु पुष्य नक्षत्र की स्थितियां, बृहस्पतिवार सूर्य 14 डिग्रीज की पोजिशंस के साथ में, तो वहीं आप देखें कि विशेष चर्चाओं में धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। शुरुआत करेंगे मेष राशि के क्रमबद्ध तरीके से कि किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आ रही है और किस तरह की पोजिशंस रहेगी। चंद्रमा आज कर्क राशि में ही पूरे दिन रहने वाले हैं, ये एक स्थिति रही। तो मेष राशि इस दिन के अंतराल में व्यापारिक गतिविधियों के साथ में बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने की कोशिश न करें। मानसिक दबाव जो आपको हल्के फुल्के स्तर के ऊपर परेशान कर रहे हैं, उसके साथ में एक सामंजस्य स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इसके साथ में ही कपड़ा संबंधित कोई भी कामकाज के साथ आप जुड़े हुए हैं और उसमें लगातार तरक्की करते चले जा रहे हैं, ये दिन कोई भी ब्लॉकेज लेकर नहीं आए। आपके इंस्टेंट बेसिस के ऊपर लिए हुए निर्णय एक स्टेप आपको नीचे की तरफ लाने का काम नहीं करें, ये सावधानी आपको पूर्ण रूप से रखने की आवश्यकताएं इस दिन के अंतराल के भीतर रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिवर्तन इतने अवश्यंभावी तरीके से निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो आपको किसी भी परिवर्तन की तरफ जाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ में कर्म के लिए जो प्रेरित करने वाली स्थितियां होती है, आज आपके लिए उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। क्या करना है, कैसे करना है, कहां पहुंचेंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे कहीं पहुंचने वाले नहीं है, ये सारी जो गफलतें कई बार जो डलेमा हमारे सामने आते हैं, ये कर्म से विमुख करने का काम करते हैं, इन सबको हटाने की आवश्यकता रहेगी। सेल्फ इग्निशन के प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं इस दिन के अंतराल के साथ में। शिक्षा के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, मेडिको फील्ड के साथ में अगर जुड़ाव है आपका और कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, कहीं आप एडमिशन लेना चाहते थे और उसमें अटकाव भटकाव की स्थितियां लगातार परेशान कर रही थी, तो उसका भी सॉल्यूशन आज आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वृषभ राशि पराक्रम के भीतर पूर्ण रूप से वृद्धि रहेगी। कोई भी काम जो लंबे समय से अटकाव की तरफ था, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, हम परेशान थे कि उस ओर जा क्यों नहीं पा रहे हैं, आज उसका सॉल्यूशन मिलने की पूर्णतया आपके लिए उम्मीद रहेगी। धैर्य की स्थितियां सामान्य तौर के ऊपर पनपी हुई नहीं कही जा सकती, उसको धीरे धीरे डेवलप करने की जरूरत आपको रहेगी। भाग्य का सपोर्ट नौकरी पेशा और व्यापारी जगत में कार्य कर रहे लोगों के लिए पूर्ण रूप से बना हुआ है। व्यापारी जगत के भीतर कोई भी नया निर्णय आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने की तरफ आज आपको अग्रसर नहीं होना चाहिए। दान और पुण्य का इस दिन विशेष महत्व रहता है, तो जो भी हमारे द्वारा श्रद्धा पूर्वक किया जा सके उसे और हमें जरूर जाना चाहिए। साथ में ही नौकरी पेशा लोग किसी भी परिवर्तन की तरफ अग्रसर नहीं हो, मानसिक दबाव हल्के फुल्के स्तर पर आपको परेशान कर सकता है इस दिन के अंतराल के साथ में। मिथुन राशि धन की वृद्धि की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। मानसिक रूप से स्वतंत्रता के साथ में जो निर्णय लेने की स्थितियां होनी चाहिए, उसमें भी वृद्धि आपके लिए बेहद शानदार तरीके से कही जा सकती है। प्रथमतया तो स्थिति ये रही, इसके साथ में ही कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर आपका जुड़ाव है, वृद्धि की ओर बहुत अच्छे से इस दिन के साथ में आप जा पाएंगे, यानी कि जो कामकाज रुके हुए थे उसे पूर्ण करके आगे बढ़ पाएंगे आप कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ में अगर आप हैं तो। रिसर्च संबंधी गतिविधियों के भीतर ये दिन सामान्य दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल
ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सेक्टर है जहां पर स्थायित्व के साथ में कामकाज आगे बढ़ता है, निर्णय लेने से बचना चाहिए, किंतु एग्जिस्टिंग फ्रेम के अंदर भी प्रॉफिटेबिलिटी की जो गुंजाइश है वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है इस दिन के अंतराल के साथ में मिथुन राशि के लिए। वहीं पे जो भी लोग शिक्षा के अंतराल के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आपने अभी अपनी एजुकेशन पूर्ण की है, जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उमंगे हैं, उत्साह है, अब उसे परवास की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए प्लानिंग्स के अनुसार और खुद के लिए एनालिसिस के अनुसार बहुत अच्छा कहा जा सकता है, उस ओर आप जरूर बढ़ें। कर्क राशि, सर्वप्रथम विश्वास, आत्मविश्वास के भीतर वृद्धि रहेगी। जज्बात जो कई बार आपको धोखा देने का काम करते हैं, जहां पर बूंदों के सागर एक तरह से लबालब हुए और सबके सामने आ गए जहां पर जरूरत ही नहीं थी, इतनी फ्रेजाइल जब अप्रोच रहती है तो व्यक्ति कई बार परेशान होता है और खुद के लिए परेशानियां क्रिएट करने का काम भी करता है। कहीं कमजोर होने की आवश्यकताएं नहीं है, वहां पर भी कमजोर हुए, कहीं पर हमें पूर्ण रूप से खुद को खोलकर रखने की आवश्यकताएं नहीं है, सारी बातें एक तरह से सामने रखने की आवश्यकताएं नहीं है, व्यापारी जगत में है जहां पर थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो उस स्तर के ऊपर खुद को बचाकर चल लें, अपनी भावनाओं को जितना अक्षुण और संरक्षित रख पाएंगे आप, क्योंकि चंद्रमा स्वराशि स्थान के भीतर ही विराजित है, उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। गृहस्थ से जुड़ी हुई महिलाओं को भी यही कहा जाएगा कि आपके इमोशंस का फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो और सारी की सारी जो बातचीत है उसे खुद के भीतर, और जो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हो जिससे उम्मीद हो कि समाधान मिल सकता है उस और लेकर जाना चाहिए आपको। व्यापारिक जगत के भीतर मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर गेन मिलने की उम्मीद पूर्ण रूप से कही जा सकती है। वहीं पे जो भी कॉन्ट्रैक्टरशिप के कामकाज के साथ में लोग जुड़े रहते हैं या फिर बिल्डिंग मटेरियल के कामकाज के साथ में लोग जुड़े रहते हैं, बहुत लंबे समय से कोई उधारी चल रही थी, ऐसी परेशानियां चल रही थी, उसका भी सॉल्यूशन पूर्ण रूप से आता हुआ इस दिन के अंतराल के साथ में दिखाई देता है। चर्चा करते हैं सिंह राशि की। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, वही मेंटल टेंशन का कारण भी आपके लिए रहेगा, रोग नहीं सताएं ये ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहेंगी, खर्चों के ऊपर जितना नियंत्रण रख पाएं और खर्चों के ऊपर जितना एक तरह से प्लान्ड अप्रोच रख पाएं उतना बेहतर कहा जाएगा आपके लिए। शिक्षा काल के भीतर आप हैं तो एक तरह से जो लव लाइफ होती है या जो फैसिनेटेड लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा खर्चों की तरफ आपको अग्रसर कर सकती है, संभल कर चलें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। शेयर मार्केट जैसे किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हैं तो अपनी कदम ताल को जितना सधा हुआ रखेंगे और जितनी बेहतरी के साथ में आगे लेकर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पोजिशंस के साथ में जिस तरह बढ़ने का काम करेंगे उतना ही बेहतर कहा जा सकता है आपके लिए इस दिन के अंतराल को। विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो इस दिन के अंतराल के साथ में ही आपके लिए संध्या काल तक विशेष और नवीन बढ़िया सूचना निकल कर आ सकती है। किसी भी नए कामकाजी शुरुआत की तरफ आपको अग्रसर नहीं होना चाहिए। कन्या राशि, लाभ की स्थितियां पूर्ण रूप से बनी हुई है आपके लिए। शिक्षा के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, शिक्षा के व्यवसायिक गतिविधियों के साथ में आपका जुड़ाव है, बेनिफिट दिखाई देता है। लंबे समय से आप अगर महिला हैं और गृहस्थ को संभाल रहे थे, अब बच्चे उस उम्र के वय की तरफ पहुंच चुके हैं जहां वो खुद को संभाल सकते हैं, स्कूल की एज के अंदर आ चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं, परिवार को और विशेष तौर पर फैमिली स्पेसिफिक को आपके द्वारा अर्निंग की रिक्वायरमेंट है, आप सोच रहे हैं कि फिर से शुरुआत कहां से की जाए, शुरुआत के लिए जो प्लानिंग करनी है उसके द्वारा और जो मन में दृढ़ता पनपानी है उसके लिए यह दिन महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एक जो वाइब्रेशन और एक जो भीतरी उत्साह आपके लिए मिलना चाहिए जो विश्वास में प्रकट होता है और आगे बढ़ाने का काम करता है, उस लिहाजा यह दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पे बिजनेस लाइफ के साथ में बात की जाए तो शेयर मार्केट के अंदर जो भी इंस्टेंट बेसिस पे निर्णय लेने होते हैं वहां पर भी आपके लिए वृद्धि कही जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम संबंधी कामकाज या फिर ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में भी ये दिन बेहद अच्छा आपके लिए बना हुआ है। बढ़ते चले जाएं, रफ्तार को जितना बढ़ाएंगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। चर्चा करते हैं तुला राशि की। यहां पर मानसिक दबाव आज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो पिछला महीना निकला उसके भीतर भी अंतिम दिनों में संभावनाएं शानदार तरीके से आपके समक्ष आई और आपको एक रोटेशन की तरफ लेकर गई, समय ने एक सकारात्मक स्थितियों की तरफ आपको लेकर जाना शुरू किया। ये दिन उसी अप्रोच को आगे बढ़ाने वाला होगा। कर्म में वही जोश और उत्साह रखें और जो मेंटल प्रेशर्स हैं वो तो वैसे भी रिलीज होने की पोजीशंस की तरफ अग्रसर हैं। मानसिक सुख के भीतर भी वृद्धि कही जा सकती है। खुद को एनालाइज करें,
पास्ट की पोजीशंस के साथ में अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर अगर आप करते हैं तो पाएंगे कि इस महीने के जो पिछले महीने के अंतराल ने पोजीशंस आपको दी वो काफी हद तक सुदृढ़ थी। आगे आने वाला समय और ज्यादा बेहतर है। ये दिन निर्णायक गतिविधियों के अनुसार बहुत बेहतर बना हुआ है। कंफर्ट जोन को छोड़कर किसी भी जॉब आदि की तरफ अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं तब भी ये दिन बेहद शानदार कहा जा सकता है। चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। भाग्य का सपोर्ट इस दिन पूर्ण रूप से आपके साथ में रहेगा। कोई भी जॉब चेंज या फिर बिजनेस में एड ऑन करने की तरफ आप जाना चाहते हैं तो नया इनिशिएटिव मत लीजिएगा, किंतु प्लानिंग के अनुसार ये दिन आपको आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। घर परिवार में जो कलह का वातावरण आपको परेशान कर रहा था आज उसके भी सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद आपके लिए कही जा सकती है। धैर्य आज एक आभूषण की तरह आपके साथ में रहेगा। पेशेंस के साथ में जितना बढ़ेंगे सफलता सुनिश्चित तौर के ऊपर आपके लिए मिलती चली जाएगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में अगर आपका रोजगार चल रहा है, घर परिवार की स्थितियां आप उसी से सुदृढ़ करते चले जाते हैं तब भी तय मानक के आधार पर नए कामकाज मिलने की उम्मीद आपके लिए कही जा सकती है। योगाभ्यास के द्वारा, जिम आदि के द्वारा फिजिकल वेलबींग और एक तरह से इमोशनल वेलबींग के द्वारा आपका कोई भी कामकाज जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी ये दिन नई उम्मीदें प्रस्फुटित करने वाला रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए। वहीं पे शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के अंदर जितना मध्यम दर्जे के साथ चलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। धनु राशि, कोई भी नई व्यापारिक गतिविधियों की, चंद्रमा अष्टमस्थ हैं तो कोई भी नई व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत करने की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वहीं पे हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है, भले ही व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा पोजीशंस, वो हल्के फुल्के स्तर पर आपको परेशान करने का कार्य कर सकती है। वहां से हम जितना संभल कर चलेंगे उतना ही बेहतर और बढ़िया कहा जा सकता है आपके लिए। तो ये तो रही एक अप्रोच। इसके साथ में ही जो व्यापारिक गतिविधियों के अंदर अटका हुआ पैसा था आज वो क्लैरिटी की तरफ बड़ी आसानी के साथ में जाने का कार्य आपके लिए कर सकता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के ऊपर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। मकर राशि, यहां पर व्यापार के साथ में जो सामंजस्य की स्थितियां जुड़ी हुई है वहां पे बेहद प्रॉफिटेबल अप्रोच आपके लिए निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। प्रथमतया स्थिति ये, गृहस्थ से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद पूर्ण रूप से है। स्वास्थ्य में विशेषकर जो फेफड़ों संबंधी इंफेक्शन आदि होते हैं अगर उसके रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहकर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी ही रहेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि वाला यह दिन रहेगा। ऑफिस में ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाए और वहीं से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाए तो उस लिहाजा भी ये दिन बेहद शानदार है। कुंभ राशि, रोग की स्थितियां अगर लंबे समय से परेशान कर रही थी तो आज उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। इसके साथ में ही खर्चों की अधिकता जो बनी हुई थी, अंकुश लगने की संभावनाएं हैं। बैंकिंग संबंधी इंडस्ट्री के कोई भी लोन आदि की तरफ आप जाना चाहते हैं या उसके कामकाज के साथ में भी आप जुड़े हुए हैं, जितना सावधानी के साथ में चलेंगे, जितना अपने रिफ्लेक्शंस को लोअर डाउन करके चलेंगे उतना ही बेहतर कहा जाएगा। वहीं पे जो अनिद्रा संबंधी रोग होते हैं वो हल्के फुल्के स्तर पर परेशान करने का आपको कार्य कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसे स्टील संबंधी कामकाज में निर्णायक पोजीशंस की तरफ जाने का कार्य नहीं करें तो बेहतर है। मीन राशि, सर्वप्रथम शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर एक प्रॉफिटेबल अप्रोच आपके लिए देखी जा सकती है इस दिन के अंतराल के साथ में। वहीं दूसरी पोजीशंस के साथ में अगर चर्चा की जाए तो यहां पर आप देखें कि जो आकस्मिक धनलाभ की स्थितियां होती है वो बेहद अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। सिनेमेटोग्राफी, साहित्य लेखन, स्टोरी टेलिंग आदि के किसी भी कामकाज के साथ में जो लीक के हटकर चलने वाली पोजीशंस होती है उन सारे ही कार्यों के भीतर और क्रिएटिविटी रचनात्मक स्थितियों के भीतर जो मानसिक तीव्रता होनी चाहिए वो एक गतिमान स्तर के ऊपर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस के साथ में रहेगी। इस दिन का बेनिफिट उठाएं, लाभ की पोजीशंस आपके लिए इस दिन के अंतराल के साथ में बनी हुई है। भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो यह था 12 ही राशि के लिए 1 अगस्त 2019 का दैनिक राशिफल। ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।